मित्रों सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ विशाल शास्त्री। द्वितीय शुद्ध श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पवित्र एकादशी 2023 शुभ मुहूर्त एवं पूजा विधि। तो कैसे हैं आप सभी? आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, हमेशा उन्नति को प्राप्त करते रहें। पंचांग के अनुसार श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 26-27 अगस्त 2023 दिन रविवार की रात 12:09 पर होगी और इस दिन रात्रि 9:33 पर एकादशी तिथि का समापन होगा। सभी को पुत्रदा एकादशी पवित्रा एकादशी का व्रत 27 अगस्त 2023 रविवार को ही रखना है। इस दिन त्रिपुष्कर योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। ये दोनों योग रात 2:26 तक रहेगा। सावन पुत्रदा एकादशी व्रत पारण का समय सुबह सावन पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण आपको 28 अगस्त 2023 को सुबह 6:19 से सुबह 8:19 तक किया जाएगा। पारण आपको 28 अगस्त को ही करना है। द्वादशी तिथि का समापन 28 अगस्त 2023 सोमवार को शाम 6:23 पर होगा। इस दिन सुबह उठकर स्वच्छ जल से स्नान करें, व्रत का संकल्प धारण करें, फिर धूप दीप नैवेद्य आदि 16 सामग्री से भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करें, भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इसके बाद भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें, भगवान को भोग लगाएं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी जरूर शामिल करें। इस दिन रात को दीप दान करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु का भजन कीर्तन और ध्यान करें, भगवान विष्णु की आरती करें। पूजन की सामग्री के लिए आपको पान, लौंग, सुपारी, कपूर, पीला चंदन, अक्षत, पानी से भरा नारियल, पंचमेवा, कुमकुम, हल्दी, धूप दीप, तिल, मिष्ठान, मौली इत्यादि अवश्य रखना चाहिए। इन चीजों के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। इसके साथ ही भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत प्रिय है, इसलिए एकादशी व्रत के दिन पूजा सामग्री में पीले पुष्प, पीला वस्त्र, पीला फल, कलश व आम के पत्ते जरूर रखें। एकादशी तिथि के दिन रात में सोना नहीं चाहिए। यह तिथि बेहद पुण्यदायी होती है। इस तिथि को पूरी रात भगवान विष्णु के भजन कीर्तन करना चाहिए, मंत्र या आरती करना चाहिए, भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर के सामने बैठकर पूरी रात जागरण करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और उनके आशीर्वाद से जीवन में उन्नति के योग बनते हैं। एकादशी तिथि के दिन भूलकर भी आपको चावल नहीं खाने चाहिए, चाहे आप उपवास ना भी रखें हो। धार्मिक कथाओं के अनुसार एकादशी के दिन चावल खाने वाला व्यक्ति अगले जन्म में रेंगने वाली योनि में जन्म लेता है। हालांकि अगर आप द्वादशी तिथि को चावल खाते हैं तो आपको इस योनि से मुक्ति भी मिल जाती है। एकादशी के दिन दातून या मंजन करना वर्जित बताया गया है। इसके साथ ही इस दिन क्रोध करना, झूठ बोलना, चुगली करना और दूसरों की बुराई करना और ऐसी चीजों से बचना चाहिए आपको। ऐसा करने से ना केवल परिवार बल्कि पूरे समाज में सम्मान नहीं मिलता और पाप के भागी भी बनते हैं। इन सब कार्यों के करने से अच्छा है कि इस दिन भगवान विष्णु जी का भजन कर लें। इस दिन एकादशी तिथि के दिन तुलसी के पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए, शास्त्रों में इसे वर्जित बताया गया है। वहीं द्वादशी तिथि को जब पारण करें तो तुलसी के पत्ते से ही करें, लेकिन उस दिन भी व्रती को तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। घर में अगर बच्चा या बुजुर्ग हैं जिसने एकादशी का व्रत ना किया हो उसको पत्ता तोड़ने के लिए द्वादशी तिथि में कहना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन कुछ भी चीजों ऐसी चीजें हैं जिनको खाने से बचना चाहिए, जैसे मसूर दाल, चना दाल, उड़द दाल, गोभी, गाजर, शलजम, पालक का साग आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन शारीरिक व मानसिक तौर पर किए जाने बुरे कार्यों को करने से बचना चाहिए। शास्त्रों में ऐसे एकादशी तिथि को मोक्षदायिनी तिथि कहा गया है, इसलिए एकादशी तिथि के दिन इन कार्यों को करने से आपको बचना चाहिए।
एकादशी तिथि के दिन पान खाना, चोरी करना, हिंसा करना, क्रोध करना, मैथुन, स्त्री संग, कपट आदि चीज़ों से बचना चाहिए। वहीं अगर आपसे कोई गलती हो जाए उसके लिए माफ़ी भी मांगना चाहिए। भगवान विष्णु दयावान हैं, आपको जरूर माफ़ कर देंगे। साथ ही इनको आदत बना लेना चाहिए, इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए, जो आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद साबित होगी। शारीरिक व मानसिक तौर पर अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो यह बहुत गलत है। ऐसा करने से कई तरह की परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। एकादशी तिथि के दिन आपको दूसरों की मदद जरूर करनी चाहिए। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामकृष्णा वासुदेव भक्ति मुक्ति दायकम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ऐसे ही नई नई वीडियो देखने के लिए। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।